सबसे बड़ा मसला ये है कि जो लैंड ग्रैबर है ना, जो प्रॉपर्टी डीलर है, ठीक पहले वो बदमाशी करते थे पॉलिटिशियंस के सर पे, है, SHO मैनेजर होता था। अब जो है वो प्रॉपर्टी डीलर ने जिद्दत इख्तियार की और उन्होंने अपने बच्चों को वकील बनाया। जितनी गलतियां पटवार सर्कल में मौजूद थी उनको एज इट इज उठा के और उनको इंक्रीज करके और आपने कंप्यूटराइज सिस्टम दे दिया। जो इंडिपेंडेंट विटनेस होता है उसको सिक्योरिटी नहीं है। जो पुलिस सिस्टम पुलिस स्टेट के नाम से मौजूद था, आज भी वही मौजूद है। वो सबसे बड़ा इस में फुकदान पैदा करते हैं और अदल के निज़ाम में सबसे बड़ी रुकावट लोअर जुडिशरी है। जजेस की जो अपॉइंटमेंट का तरीका कार है हाई कोर्ट के, क्या वो क्या है? क्या आपके अच्छे ताल्लुकात हों? इवन कि आपके करेक्टर की भी छानबीन नहीं होती। हमने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के कंसेप्ट को इसलिए पैदा किया कि ताकि इससे ताकतवर फ़ायदा उठा सके और जो ले मैन है उसको नुकसान हो सके। मैंने आज तक कोई ऐसा केस नहीं देखा जिसको जज डिसाइड करना चाहे और वकील उसको डिसाइड ना कराए। जो लाहौर में स्टफ मौजूद है जजेस का, ये तो वेल अवेयर ऑफ द लॉज बाई लॉज है ही नहीं। फेवरेटिज्म भी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में मौजूद है। फैसला सिर्फ उसी फाइल का होता है जिस फाइल का फैसला वकील करवाना चाहता है। जज केस ख़राब कर देना तो केस ठीक हो सकता है। जिस केस को वकील अपने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की वजह से ख़राब करे ना, वो केस ठीक नहीं हो सकता। मेरे उस्ताद मोहतरम राउत अजमल अब्बास साहब सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। 5 साल मैं अपने उस्ताद मोहतरम के साथ रहा हूँ। उसके बाद अपना इंडिपेंडेंट ऑफिस जो है वो संपत एंड संपत लॉ फर्म के नाम से रन कर रहा हूँ। और डायरेक्टर मैं 2008 में 25 मार्च 2008 को मैं इनरोल्ड हुआ हूँ एज एन एडवोकेट। पंजाब बार काउंसिल और लाहौर बार एसोसिएशन की मेंबरशिप है मेरे पास। मैं लाहौर बार एसोसिएशन का शुक्रगुजार भी हूँ जिन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक आम वकील था और एक आम वकील होने की बाबत इस पॉलिटिकल सेटअप में हर एक के लिए गुंजाइश मौजूद है। अब वो बड़ा वकील है, बड़े बाप का बेटा है, सब के लिए यहाँ पे स्पेस मौजूद है। आपने मेहनत करनी है। रेवेन्यू सिस्टम है हमारे पास। हम लोगों ने क्या काम किया, रेवेन्यू सिस्टम में पटवारखाना सिस्टम वही है, उसके किताबचे वही हैं, उससे मेरा इख्तलाफ़ नहीं है। लेकिन जो लिटिगेशन उससे अकर्ड होती है उस सिस्टम की, जब हमने डेवलपमेंट चेंजेस की गवर्नमेंट ने, जो लास्ट गवर्नमेंट थी PMLN की, और ये ADLR का सिस्टम लेके आए और सारा कंप्यूटराइज सिस्टम किया, उसमें ना कबाहतें मौजूद रहीं और उससे लिटिगेशन भी बढ़ी और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, मैं सादा लफ्ज़ों में ये कहूँगा, वो मुश्किल हो गई। ठीक है, अब हम लोग इतना ज़्यादा वेल अवेयर ऑफ द टेक्नोलॉजी नहीं है। अब एक ले मैंने, उसको पता चला कि जी मैंने अपॉइंटमेंट लेनी है पहले ADLR के ऑफिस में, फिर मैंने जाना है फ़र्द लेने के लिए, फ़ीस पे करूँगा, वो चलान बैंक में जमा होगा। जितनी गलतियाँ पटवार सर्कल में मौजूद थीं उनको एज इट इज़ उठा के और उनको इंक्रीज़ करके और आपने कंप्यूटराइज सिस्टम दे दिया। ठीक है, अब वहाँ पे जाके एक स्टॉपर लग गया कि जी मैं ये रिमूव नहीं कर सकता। कोर्ट में जाएँ और कोर्ट वाले जब कहते हैं रिकॉर्ड मंगवाएं, तो ये गलतियाँ मौजूद थी। अब आ जाता हूँ मैं जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, ये भी बेसिक है। हमने प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस देना, जज ने फैसला एविडेंस के बेस पे करना है। जो आमुल फैन में ये कहता ना कि मैं इस बात को पंजाबी में दोहराना चाहूँगा, यार आते मैं वेख्या सी अपनी अखा के सामने दिन दिहाड़े कत्ल होया सी, बंदे बरी हो गए। सर वो क्यों बरी हो गए? आपके पास कभी भी इंडिपेंडेंट विटनेस मौजूद ही नहीं रहा। ये बात रोज़े आया है कि हमें जो इंटरेस्टेड विटनेस होते हैं, जो इंडिपेंडेंट विटनेस होता है उसको सिक्योरिटी नहीं है। इंटरेस्टेड विटनेस मीन्स के रियल ब्रदर, बहन भाई, चाचे के बेटे, कजन्स, ये लोग एविडेंस में मौजूद होते हैं। तो जो प्रोसिक्यूशन सिस्टम है आज तक, इंक्लूडिंग दिस गवर्नमेंट, जिसका बहुत बड़ा एक नारा था कि जी जिस निज़ाम में अदल और इंसाफ का बोलबाला नहीं होगा और निज़ाम अदल मौजूद मजबूत नहीं होगा, हम लोग तरक्की नहीं कर सकते। ये मुआशे की बेसिक जो नॉर्म्स हैं और उसकी इस्टेब्लिशमेंट है, उसको मजबूत जो करना है वो इस चीज़ ने करना है, निज़ाम अदल ने। इस पर कोई पॉलिसी नहीं दी। जो पुलिस सिस्टम पुलिस स्टेट के नाम से मौजूद था, आज भी वही मौजूद है। आप एक ASI को ले लेते हैं, उसने सुबह उठना है, वो सबसे पहले
उसकी ड्यूटी या तो हाई कोर्ट में होगी और सेशन कोर्ट में वो लोग आते नहीं हैं, जो रियलिटी की बात है फाइल लेके। उसके बाद उसने 4 बजे मैक्सिमम फारिग होना होता है, वो थाने में जाता है, मिसलें उठाता है अपने DSP और ASP SP के पास, पार्टियां पेश करवाता है, वहां से वो वापस आता है, अपनी पार्टियां जो उसने टाइम दिया होता है जिनको खुद सुनना होता है उनको सुनता है, फिर रात को उसकी गश्त की ड्यूटी होती है, वो जाके सोता है 2 बजे। अब ऐसे शख्स को जिसने सुकून नहीं करना, आराम उसने नहीं लेना, और उससे कोई भी जाकर ले मैन जो मेरे जैसा आपके जैसा पढ़ा लिखा आदमी एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि मैं इसको जाके बुलाऊंगा रात को 11 बजे, तो मुझे कहेगा भाईजान आपका क्या हाल है, खैरियत से आप बैठे, आपको क्या काम है, मुझे हुक्म करें, वो ऐसा आपको जेस्चर नहीं दे सकता। हमने कलेक्शन ऑफ एविडेंस का मेथड जो है बेसिक, मेरी जो बात इस तरह में लेके आया हूँ इसको पीछे से बताने का मकसद ये, उसको बेहतर नहीं किया, ठीक है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस के मैटर को। और हमने ना काफ़ी सहूलियात पुलिस डिपार्टमेंट को दी, करप्शन के नाम पे जो हमने आहो पुकार की होती है बतौर सोसाइटी, सर वो तो होनी है जब एक बंदा 8 घंटे की ड्यूटी और पुलिस रूल्स में उसकी ड्यूटी का टाइम ही मुकर्रर नहीं है, वो एट एनी टाइम कॉल किया जा सकता है। सिस्टमेटिकल चीज़ें जो है ना वो ख़राबी की तरफ मौजूद है ग्राउंड रियलिटीज़ पे। जब वो चलान सबमिट करता है ना, अभी उन्होंने डेवलपमेंट की कि जब चलान सबमिट करेंगे उस वक्त जो उस ADPP भी बैठा होगा, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट बैठा होगा, वो चेक करेगा कि जो चलान में चीज़ें नाकाफ़ी हैं उनको वो कंप्लीट कराएंगे और उसके बाद चलान जो है ना वो सबमिट होगा, सेंट टू द कोर्ट होगा। उसके बाद में बेसिक करप्शन आ गई, मेरे भाई बैठे हुए हैं, मैं माजत के साथ, क्योंकि अब मीडिया है और सुने तो कोई वो ये ना कहे कि सेक्टर साहब ये बात कर रहे हैं। सर वहाँ पे पुलिस वालों ने एक फीस मुकर्रर कर ली, मैं उसको रिश्वत नहीं कहूँगा, वो फीस मुकर्रर उन्होंने इसलिए कर ली कि वो कहते हैं कि जी पुलिस वाला जो है ना वो जाएगा आपकी अटेस्टेड कॉपी लेगा हॉस्पिटल से और सारी चीज़ें मरतब करेगा, जो स्टेशनरी और ये जो बेसिक एलिमेंट्स हैं ना सरकार इस बात के पैसे पे करती है, SP के पास इस बात की ग्रांट मौजूद है। मैंने जो देखा है और जो सुना है वो ये है कि SP अगर जो उसके पास पैसे आते हैं अपने पुलिस स्टेशन की मेंटेनेंस और स्टेशनरी के, अगर सिर्फ वो उनको खर्च ना करे और पब्लिक में वो अपनी आवाज़ को इस हद तक बेहतर रखे कि जी ये इंसाफ करता है, तो वो करप्शन उसके लिए काफ़ी होती है। अच्छा, सारी स्टेशनरी IO अपने पास से परचेज करता है, उसने ये पैसे पब्लिक से रिवर्स लेने। अब मैं आ जाते हैं, अब ये चलान आ गया कोर्ट में, जज ने फैसला चलान के ऊपर करना है, मेरी 15 साल स्टैंडिंग हो गई है सर, मैंने बहुत सारे ट्रायल्स में पेश हुआ हूँ, 302 की मैं बात नहीं करता मर्डर ट्रायल के अलावा, नीचे जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट के पास थे मैंने सर 3 ट्रायल किए हैं कंप्लीट अपनी प्रैक्टिस में, बाकी सब में कंप्रोमाइज हुआ। ठीक है, जितने मैंने मर्डर ट्रायल किए उनका फैसला जो है ना, क्योंकि वहाँ पे इमोशंस अटैच होते हैं और एक कीमती जान जो है वो किसी भी एंगल से जो है ना वो जारी होती है, हमें एथिक्स तो हमें उस्ताद ने सिखा दी है कि आपने कभी भी किसी को सजाए मौत करवानी है, जज ने करनी है, आप अगर कंप्लेंट काउंसल हैं तो आपने कभी मुबारक नहीं देनी, आपने कभी जाके फैसला अदालत से पता नहीं करना कि जज ने क्या फैसला किया। मैं जुडिशियल सिस्टम में डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को कसूरवार नहीं ठहराऊंगा कि वो सबसे बड़ा इस में फुकदान पैदा करते हैं और अदल के निज़ाम में सबसे बड़ी रुकावट लोअर जुडिशरी है। मैं तो आज बात करूंगा आपसे, कहूंगा कि मेरी आवाज़ ये है कि जजेस की जो अपॉइंटमेंट का तरीका कार है हाई कोर्ट के का, वो क्या है, ठीक है, क्या आपके अच्छे ताल्लुकात हों, आपकी अच्छी PR हो, आपने सारा कानून पढ़ के और लिख के और सुनना भी है और सुनाना भी है और आपने एग्ज़ाम्स देने हैं, उसके बाद आपने सिविल जज आना है, आपने हाई कोर्ट का जज लगाने के लिए क्या करना है, इवन कि आपके करेक्टर की भी छानबीन नहीं होती और वो बड़ा आसान तरीकाकार है। आम वकील भी इंसाफ की फराहमी में रुकावट नहीं है,
इंसाफ के फरहमी में सिस्टम के अंदर ख़राबियाँ मौजूद हैं और वो मैंने डिस्कस कर दी हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट सिविल केसेस की हद तक वो मौजूद हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की खामियाँ वही लिटिगेशन इस्टेब्लिश करती हैं। और एक सबसे बड़ा जो फ्रॉड है जिसकी मैं समझूंगा कि आई थिंक 30% जो लिटिगेशन है वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के नाम पे इस्टेब्लिश होती है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड होता है। सर मेरे इलम के मुताबिक जो कनाडा में सेल परचेज प्रॉपर्टी होती है उसके लिए आप वकील मुकर्रर करते हैं, बैंक अमाउंट जो है वो आपकी इंश्योर्ड होती है और स्टेट इसमें इन्वॉल्व होती है, दोनों पार्टियां बैंक जाती हैं, इकरारनामा रजिस्टर करती हैं, अगर फ्रॉड होता है तो वो स्टेट के साथ होना और दोनों तरफ से वकील मौजूद होते हैं, उनको फीस मिलती है। हमने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के कंसेप्ट को इसलिए पैदा किया कि ताकि इससे ताकतवर फ़ायदा उठा सके और जो लेमैन है उसको नुकसान हो सके। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस तशद्दुद का सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं। तो आम कंसेप्ट में हमें जनरल ऑफ पावर अटॉर्नी मौजूद ज़रूर रहे, ये ज़रूरत भी है, मैं इससे इनकार ही नहीं हूँ, लेकिन इसके स्पेशल सर्कमस्टांसिस मौजूद हों और उनमें इसको सीख किया जा सके। और जितनी ट्रांजैक्शन है वो बैंक के थ्रू होनी चाहिए। अब मैं रेंट मैटर्स की तरफ आ जाता हूँ। नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द रेंट एग्रीमेंट जो है सर वो सबसे बड़ा खला है। हम लोगों को गाइड करते हैं, आते हैं, लेकिन लोग उस तरफ जाते ही नहीं हैं। उसको हमने कंपलसरी किया, लोग 10% फीस जमा कराने के लिए तैयार हैं जैकमैन पिटीशन में, ठीक है, लेकिन उसको रजिस्टर कराने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ वो आना नहीं चाहते क्योंकि उनके बुनियादी मसाइल आज तक हल ही नहीं हुए। तो बुनियादी मसाइल के हल का फुकदान जब तक मौजूद रहेगा, लोअर जुडिशरी ने कोऑपरेट करना, दोनों वकीलों ने, मैंने आज तक कोई ऐसा केस नहीं देखा जिसको जज डिसाइड करना चाहे और वकील उसको डिसाइड ना कराए। मैं ऑफिस बेयर भी रहा, आज भी, अब जब मुझे मेरा जूनियर बताता है कि जज साहब ने कहा है कि मैंने इसका फैसला कर देना अगर वकील साहब पेश नहीं हुए, उनसे कहीं आके आर्गूमेंट्स करें, तो हम किसी ना किसी सूरत में जज के पास ज़रूर जाके पेश हो जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के पास जिन जजेस की अपॉइंटमेंट हुई है वो एक बहुत बड़ा मसला है। एक और मैं एनालिसिस देना चाहता हूँ, ये वैसे हमारे कंसर्न नहीं है, ये चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट के कंसर्न है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हमारा मसला ज़रूर है। वो हमारा मसला ये है कि जजेस की जो उखाड़ पछाड़ की गई है और लोधना के जज को लाहौर लगा दिया और लाहौर वाले जज को अटक में लगा दिया और उसके बाद रहीम यार खां भेज दिया, तो सर डोमिसाइल जो है ना वो आपके लिए कन्वीनियंस ही देता है कि आप अगर लाहौर के हैं तो आप कसूर लगे हुए हैं, आप उकाड़ा लगे हुए हैं, आप फैसलाबाद हैं, आपको अपने बच्चों की और अपनी की फैमिली, जज भी एक इंसान है ना, उनके मसाइल हैं, वो मसाइल को देखा नहीं और उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो है वो करप्शन करती है और ये जो यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं वो करप्शन का शिकार है। अब मैं कहता हूँ, मैं बेशुमार जजों से मिला हूँ, मैं नाम नहीं बता सकता आपको, वो सर वहाँ से आके बैठे हैं, वो फ्राइडे को हाफ डे है, सैटरडे की छुट्टी कर रहे हैं, संडे की भी छुट्टी होती है और मंडे को उनका कोई ना कोई कंसर्न होता है, ट्यूसडे को कोर्ट करते हैं, ये बर्डन डेवलप होता है। सर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जो केसेस का डिसीजन का फुकदान है ना वो फ्रिवलेस लिटिगेशन है। मेंटेबिलिटी ऑफ द सूट जो है वो अब अमेंडमेंट आई रिसेंटली, तो जज ने एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट जो है ना उसे उसको देखना है कि इसमें कोई वैलिड कॉज ऑफ एक्शन मौजूद है या नहीं। तो मैं तो ये कहूँगा कि इस वक्त जो लाहौर में स्टफ मौजूद है जजेस का, ये तो वेल अवेयर ऑफ द लॉज बाई लॉज है ही नहीं, ठीक है। इन्होंने 3-4 किस्म की लिटिगेशन की और लाहौर में आए तो कुछ जजों को हमने देखा है कि वो काम में इतने अनॉयड हैं कि वो इस चीज़ को वो कहते हैं कि हम कुछ ऐसा काम करें कि हमारी यहाँ पे शिकायत हो और हम यहाँ से आउट हो जाएं। अच्छा, फैसला जज ने करना है
और ये जो कतई आखिरी मौका, और उसके बाद कतई कतई आखिरी मौका, सीपीसी में इसका कोई कंसेप्ट मौजूद नहीं है। जज जिस केस में फैसला करना चाहे, लॉयर्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जज फ्रेंडली होना चाहिए, ना कि जज को कोई डंडा पकड़ना चाहिए। कुछ जज डंडा भी पकड़ते हैं और उसको चलाने की कोशिश करते हैं, जिसको बार ने हमेशा जो है वो कन्फ्रंट किया। फैसला जो है ना वो प्रोटेक्शन नहीं है विटनेस को, जिसका बेसिक फुकदान है और होता नहीं है। सिविल में लिटिगेशन में ये है कि स्टे पे आके लिटिगेशन ख़त्म हो जाती है, या उसने पार्टी ने कंफर्म कराना है या उसको सस्पेंड कराना है। ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 की जो अप्लीकेशन है उसको डिसमिसल लेनी है, और जो क्रिमिनल ट्रायल है उसमें बेल पे आके ख़त्म हो रही है। और इस फुकदान को अगर आप दूर करना चाहते हैं ना, तो मेरी नज़र में डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का जो फॉल्ट है, ये पॉलिसी रिलीफ देती है। पॉलिसी रिलीफ से मुराद मेरी ये है, सेशन मजिस्ट्रेट के पास बैठे हैं आप, तो आपने पांच मजिस्ट्रेट को पॉलिसी के मुताबिक 5 लाख से ज़्यादा की बेल नहीं लेनी है उसने। बिल्कुल। चेक जो है वो उसकी जो लिमिट है वो 5 लाख है उसके पास, उसने उससे नीचे लेनी है। कुछ जजेज यहाँ पे आए हैं जिन्होंने 3 लाख के ऊपर भी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने स्टॉपर लगाया और कहा कि अगर ये 3 लाख का चेक है तो आपने खारिज कर देनी है। फिर आप आ जाते हैं सेशन जज के पास। सर जब आपने इंसाफ फराहम करना ना, तो फिर मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो 1 करोड़ की भी बेल सुने और 50 करोड़ की भी सुने, अगर मेरिट बनता है तो उसको जो है ना। दूसरा ये है कि एंटी करप्शन की कोर्ट्स में मेरा भी रिसेंटली जज हैं, उनके पास पेश होने का हो गया, FIR हुई, मजिस्ट्रेट की रेड हुई, मजिस्ट्रेट को वहाँ से कुछ भी रिकवर नहीं हुआ। और जब रिकवर नहीं हुआ, वो पुलिस रिपोर्ट मैंने खुद, मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट मैंने खुद पढ़ी है, इन स्पाइट ऑफ डैट मजिस्ट्रेट ने पर्चे के ऑर्डर कर दिए और एंटी करप्शन वालों ने FIR दे दी। ये सारा प्रोसेस एक दिन में कंप्लीट हो गया, शाम को 5 बजे FIR होगी, उसमें मैं कौंसल हूँ और आइंदा पेशी भी उसमें सैटरडे किया, बेल फाइल की, नेक्स्ट डे का नोटिस करवा लिया, मुदई ने स्टेटमेंट दे दी ठीक है कि मैं इस पटवारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहता। तो मैंने जज से कहा कि मैंने कहा सर केस ऑफ नो एविडेंस है। उन्होंने कहा जी सुलह तो हो ही नहीं सकती। मैंने कहा उसने स्टेटमेंट ये दी है कि मेरा मुलजिम नहीं है। अब वो बेनिफिशरी भी नहीं था, उसने अपनी FIR में लिखा मुदई ने कि मेरे वो रिलेटिव हैं जिनका मामला पटवारखाने में पेंडिंग था। इस बात को बताने का मकसद ये है कि जज साहब ने मुझे कहा जी मैं तो 7 दिन से पहले का नोटिस ही नहीं करता बेल में। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, आप सैटरडे को आएँ। सैटरडे को चले गए जज साहब के पास 10 दिन के बाद। उनका मैं तो 1 महीने से पहले बेल लेता ही नहीं हूँ। प्री ट्रायल और विदाउट रिकॉर्डिंग द एविडेंस जज ने अब अपनी पॉलिसी दे दी कि उसने सजा देनी है, ठीक है, और वो तो सजा दे रहा है। उसने अपनी पॉलिसी मुकर्रर की है, उस पर वो अमल करवा रहा है। तो जब तक हम पॉलिसी से बाहर नहीं निकलेंगे, और विक्टिमाइजेशन का एक एलिमेंट भी मौजूद है, और मैं इस बात में ये मुझे नहीं शर्म है कि मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ, मैं ये कहूँगा फेवरेटिज्म भी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में मौजूद है। ठीक। हायर जुडिशरी के रेफरेंसेस भी मौजूद हैं, उसके बाद रिटायर्ड जजेस के रेफरेंस भी मौजूद हैं, और ज़ाती मामलात में दोस्तों को अकोमोडेट करने की हद तक भी मौजूद है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी फैसला सिर्फ उसी फाइल का होता है जिस फाइल का फैसला वकील करवाना चाहता है। ठीक है। ये सारे काम भी अगर जज कर ले तो फिर भी वो इंसाफ के रास्ते में रुकावट बन सकता है। वो कहते हैं कि जज केस ख़राब कर देना तो केस ठीक हो सकता है, जिस केस को वकील अपने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की वजह से ख़राब करे ना, वो केस ठीक नहीं हो सकता। हम जज की गलतियां सुधार सकते हैं। इसके लिए जो बेसिक जो मेरी सजेशन है ना, वो ये है कि हायर जुडिशरी में जब जब भी चीफ जस्टिस के अहदे पे तब्दीली आती है ना, तो उसका एक अपना माइंड सेटअप होता है। इस चीफ जस्टिस ने आते ही अर्ली हेयरिंग, जो मेरी आपकी प्रोग्राम से पहले भी
डिस्कशन हो रही थी अर्ली हियरिंग के बारे में, इसने कहा कि वो नहीं लगाई जाएगी। मैं कहता हूँ ठीक है, उसको एक बात के एक तजर्बे के तौर पे इस बात को हमने मान लिया, 4 माह हो गए हैं, 5 माह, उसका रिजल्ट क्या निकला है? जब मैं वकालत में आया था तो हर हफ्ते बेल कॉल हो जाती थी, मीन्स कि अगर बेल आज फाइल हुई है तो अगले हफ्ते में उसने एक हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर लगना है, एडजमेंट सीक हो सकती है लेकिन उसने फिक्स ज़रूर होना है। अब वो बेल चली गई है 15 दिनों पर, कि उसको फोर्टनाइट में जाके वो बेल फिक्स होती है। और मैं अपने एंटी करप्शन वाले केस में उस वो मेरा केस बड़ा अच्छा है, जो जज की पॉलिसी है ना उस पर इंसाफ लेना ज़्यादा आसान है नीचे वाले जज की पे, इसलिए उसको ऊपर नहीं लेके जा रहे। तो वो जब तक के कलेक्टिव, जब हम बार एसोसिएशंस के ना, ये लोग राय नहीं लेते, ये समझते हैं कि बार एसोसिएशंस जो अपनी राय देंगे ना वो हमारे ताकत के मिजाज के सामने ना वो हम अपनी ताकत को शेयर करेंगे इनके साथ, इनके जो इख्तियारात हैं। जबकि मैं और आप बैठे हुए हैं, मैं और आप एक केस में दोनों साइड से वकील हैं, तो मुझे अपने क्लाइंट का पता और आपको अपने क्लाइंट का पता, जब हम इतने सारे केसों में से बाहर निकलेंगे, हम कोई सजेशन पुट करेंगे ना कि इन इन चीज़ों पे रिफॉर्म्स होनी चाहिए, ये चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, उसको फिर जज ने हमें दोनों को सुन के फैसला करना होता है। उसके बाद जज अपनी कोई राय देगा ना, तब जो है ना कोई सिस्टम में बेहतरी आ सकती है। लेकिन इस सिस्टम में बेहतरी लाने के लिए हमें सबसे पहले जो है ना वो अपने इस जिस बेसिस पे ये चल रहा है, जिस कस्टम पे ये सिस्टम हमने इस्टेब्लिश किया है, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट और दूसरा जो पुलिस हायरार्की है, अब हम देखते हैं कमर्शियल कोर्ट्स इन्होंने इस्टेब्लिश कर दी। मैं इस बात को भी बुरा नहीं कहूँगा कि इससे ना कुछ फ़ायदा हुआ है, जो कमर्शियल कोर्ट्स का कंसेप्ट आया ना इससे फ़ायदा हुआ। फिर हमारे पे यहाँ पे लॉ ऑफ टॉर्ट अप्लाई नहीं होता, जो फ्रिवलियस लिटिगेशन करते हैं लोग वो इंडिपेंडेंट है। अब जैसे एक बंदा आता है, वो कहता है कि जी मेरा ये मुलज़िम नहीं है, लॉ मौजूद है, इसको प्रोसिक्यूट किया जाए, पनिशमेंट सेट की जाए, तो तब फ्रिवलियस लिटिगेशन ख़त्म होगी, ओरिजिनल लिटिगेशन आएगी, 182 का कलंदरा बनता है, FIR खारिज हो जाती है। आज तक उसको उसमें किसी को सज़ा नहीं हुई। देखें मैं इस बात पे ना ये क्वेश्चन वैसे बिला वास्ता कह लें या डायरेक्ट कह रहे हैं, इसका जवाब बड़ा मुश्किल है, लेकिन जज ने हमेशा रिलीफ दिया फाइल मेरे फाइल के अंदर से, ठीक है। और जो डिस्क्रिशनरी रिलीफ होता है ना वो हर वकील के लिए मौजूद होता है, वो उसके कंडक्ट से मिलता होता है, ठीक है। और मैंने बतौर ऑफिस बेरर रह के जो मैंने देखा है, बहुत सारे मसले ऐसे होते हैं जो रूटीन में होने वाले होते हैं, इस चीज़ का फुकदान इसलिए पैदा हुआ बार एसोसिएशन में, जिस पे सरापा एहतजाज जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट जो मौजूदा हैं ये भी रहे, और इन्होंने अपनी स्पीच में भी कन्वे किया हमें कि जी बार एसोसिएशन के जो नुमाइंदे हैं वो पर्सनल मफादात लेने के लिए और मर्जी के फैसले लेने के लिए इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। सर जज ने कौन सा ऐसा फैसला है जो जज ने लिख दिया हो और साइन कर दिया हो जिसमें जाके ये रिफ्लेक्ट हो रहा हो कि इसमें असर और ताकत का आंसर मौजूद है, जज ने फाइल में से रिलीफ दिया, तो उससे ना एक चीज़ ज़रूर है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि जो फैसला करने की जो बात होती है ना उसमें ज़रा तेज़ी आ जाती है, उस फाइल में ना ज़रा थोड़ा सा सीरियसनेस पैदा हो जाती है, ठीक। उसकी बात मैं ये करता हूँ, इसके पीछे ना मसला ये है कि काम होने वाले होते हैं, यंगस्टर जो है ना वो अपना काम लेके और कमेटी रूम पहुंच जाता है, ठीक है, मेरा ये स्टे करवा दें, पार्ट ऑफ लिटिगेशन है, सिस्टमेटिकल चीज़ें हैं, हमने भी जाना होता है, जाके रिक्वेस्ट करते हैं, वो रूटीन के काम होने वाले हम करा देते हैं। इसके पीछे अगर हम आप इससे निकलना चाहते हैं ना, इस चीज़ से निकलना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा मसला ये है कि जो लैंड ग्रैबर हैं ना, जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, पहले वो बदमाशी करते थे पॉलिटिशियंस के सर पे, ठीक है, SHO मैनेज होता था और आवाज़ ये होती थी कि भाजी SHO नवा आया उन्होंने समझा देना ज़रा,
तो वो MNA और MPA उस चीज़ को इस्टेब्लिश करते थे और उनको कहते थे कि ये जी बंदे हैं हमारे। अब जो है वो प्रॉपर्टी डीलर ने जिद्दत इख्तियार की और उन्होंने अपने बच्चों को वकील बनाया। वो यहाँ पे आते हैं, देखें ये चीज़ें मैंने पॉलिटिकल सिस्टम में से मैंने खुद मैं इसका तजर्बा बता रहा हूँ। वो लोग यहाँ पे आए, अब वो सरमायादार हैं, वो पैसे वाले हैं, वो अपने बैच को इकट्ठा करते हैं और अभी इनरोल्ड हुए नहीं होते और उनके डेरे पे अनाउंसमेंट्स हो रही होती हैं। तो जो बैच फेलोज़ का एक कंसेप्ट है ना, ये बड़ा मजबूत होता है और हमारा भी मजबूत है, मेरे बैच के दोस्त भी हम इकट्ठे हैं। वो फिर क्या करता है, उसके पास केसेस आते हैं, वो चार लोगों को इकट्ठा करता है, वहाँ जाके वो लोग जो उन्होंने प्रॉपर्टीज़ परचेज़ की होती हैं उनके बिहाफ पे यहाँ पे लिटिगेशन में असरअंदाज होते हैं, फिर वो पॉलिटिकल सिस्टम में उन लोगों को सपोर्ट करते हैं, फंक्शन करते हैं उस पॉलिटिकल सेटअप में। फिर लड़के क्या कहते हैं, जब उसको देखते हैं ना, बाकी फ़र्ज़ करें 50 हैं एक बैच के लोग, बाकी 49 उसको देख रहे हैं यार इन्हें ऐसा काम करवाया। वो लोग अब ऑफिस चैम्बर्स ज्वाइन करना छोड़ गए हैं। अब जैसे मैंने शुरू में ये बात इसलिए बताई थी कि मैं 5 साल अपने उस्ताद के पास रहा हूँ, तो उनकी ना परवरिश नहीं हुई, वो अपने आप को एज ए वकील इस्टेब्लिश नहीं कर सके। तो उन्होंने, जब आप किसी उस्ताद के जूनियर नहीं रहेंगे ना, मैं बताता हूँ आपको, शायद मैं इस कंसेप्ट में ज़िंदा रहता कि जजेस के नाम के पैसे लेने हैं। मैं अपने उस्ताद के पास केस लेके गया हूँ, उन्होंने बेटा उस जज के नाम की फ़ीस नहीं लेनी कभी भी। अब वो चीज़ ना मेरी जबिलत में मेरे अंदर समा गई है कि जज के नाम के पैसे कभी भी नहीं लेने। अगर मेरा उस्ताद ये काम करता होता तो फिर मैंने बेधड़क ये काम करना था। तो इस चीज़ का ना जो सीधे बाब है वो यही है कि हम आने वाले दोस्तों को प्रमोट करें, उनसे कहें कि आप प्रोफेशनल चैम्बर्स ज्वाइन करें। मैंने शुरू से पहले दिन से पॉलिटिक्स की है, लेकिन मैं आखिरी जब हम 1 जनवरी को आते होते थे ना, तब इलेक्शन की थीम थी कि 13-14-15 को आखिरी 15 दिन में काम नहीं करता होता था, पॉलिटिक्स ही करते थे, जिसका बैज लगाया उसके साथ होते थे। लेकिन जो पीछे वाला चैप्टर होता था ना 12 माह में, 11.5 माह का, वो मैं अपने उस्ताद के साथ ही रहता था और बहुत मेहनत की है। तो जिन लोगों को ये पता है कि मैं वकील हूँ और मैंने पेश होना है, फैसला करवा लेना है, सर वो लोग आज भी फैसले करा रहे हैं, वो आज भी सिस्टम से मुतमईन है। और जिन लोगों का कंसेप्ट ये है कि मैंने ये रिलीफ सिर्फ कैबिनेट मेंबर को ले जाके लेना है, तो वो कैबिनेट मेंबर को ना ये कह लें कि 1-2% रियायत ज़रूर होती है, लेकिन वो जज ना फाइल से आउट होकर नहीं देता, वो उसकी जो डिस्क्रिशन की पावर होती है ना वो उसमें से दे रहा होता है। ठीक है, तो ऐसा कोई बड़ा मैकेनिज्म नहीं पैदा कर दिया खला इस जुडिशल सिस्टम में कि जिसकी तमाम तरह जिम्मेदारी अहदेदारों पर डाली जाए। मैं आज भी मौजूद हूँ, मेरी आज भी अच्छी प्रैक्टिस है, मुझे शिकवा नहीं है कि मैं जब सेक्रेटरी था तो मुझे बहुत अच्छे मैं पैसे कमा रहा था। मैं आज भी उसी रूटीन से डेली आता हूँ, मैं अपने सारे केसेस में खुद पेश होता हूँ, मेरी आज भी प्रैक्टिस बड़ी अच्छी है। मेरे पास क्लाइंट आ रहा था बी और सी कैटेगरी का, जब मैं ऑफिस बेरर नहीं था, तो मैंने यहाँ के सिस्टम में रह कर देखा कि अगर आप ऑफिस बेरर होते हैं तो, क्योंकि ढलती उम्र की तरफ जाना है, जो आज से 5 साल पहले मैं मेहनत कर सकता था, मेरे अंदर पोटेंशियल था, वो अब महीने में कर सकता, आज की 5 साल बाद फिर मैं ये वाली नहीं कर सकूँगा। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी क्लाइंटिज को बेहतर बनाने के लिए, ए कैटेगरी में जाने के लिए, तो मैं इलेक्शन कंटेस्ट करूँगा तो मेरी क्लाइंटिज ए कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, फीस का मैार अच्छा हो जाएगा, लोगों में मेरी पहचान हो जाएगी और एक जहाँ पे मैं रहता हूँ मेरी रिस्पेक्ट में भी इजाफा हो जाएगा। जी बिल्कुल हुआ, मैं रिस्पेक्ट में इजाफा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने बार को सर्व किया, मैं मुकम्मल तो नहीं हूँ लेकिन मैंने जो कोशिशें की वो मुझे, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और इस क्लाइंटिज के ऊपर जो है, हाँ ये चीज़ बेहतर हुई है, लोग आए हैं, मैंने उस वक्त प्रोफेशनली तौर पे भी काम किया। टेन्योर में ये होता था कि जी मैंने ये सुना था कि किसी सारे वापस चले जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सारे क्लाइंट आज भी मौजूद हैं, मैं ऑफिस बेरर नहीं हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मैंने उन लोगों को मूव किया कि आप प्रोफेशनली तौर पे मुझे इंगेज किया, मैं आज भी आप
मैंने बहुत सारे फैसले अपने केसेस के टेन्योर के बाद कराए हैं, पार्टियां वही थी जो मेरे पास टेन्योर की वजह से आई थी, लेकिन फैसले उनके बाद में भी हुए हैं, मुझे इस बात से कोई शिकवा नहीं है। हाँ, ये मेरी एफर्ट थी। पैसे आपके प्रॉपर्टी डीलर और लैंड ग्रैबर्स ने इंक्रीज़ किए हैं जुडिशल इस सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम में। उन लोगों ने ये सारा सिस्टम जो है ना, इसको तबाही के दहाने पे लेके आए हैं। लेकिन उनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, यहाँ पे हर आम वकील को, आप MPA अगर अपने हल्के में जाके खड़े हो जाए ना, तो अगर आपके अबाव अजदाद में से कोई MPA नहीं रहा तो आपको इन्फ्लुएंशियल पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे आप अपने आप को डेवलप नहीं कर सकते। लेकिन बार एसोसिएशन ऐसा समुंदर है जिसने किसी को नहीं देखा, जिसने अपनी आपकी ज़ात की जो है ना वो क्वालिटीज़ को देख के ना, और आपको अपने शोल्डर्स पे बिठा के आपको इज्जत दी है। लेमैन के लिए इस पॉलिटिकल सिस्टम में इन तमाम तर खामियों के बावजूद लेमैन के लिए बहुत सारी जगह मौजूद है। पहले आप बार में अपने आप को वकील बनाएं, मनवाएं, लोग आपको कहें कि ये प्रोफेशनल वकील है। उसका मतलब ये नहीं कि आपने केस जीतने हैं, उसका मतलब ये है कि आपकी कोर्ट अपेयरेंस हो, आपकी ड्राफ्टिंग पे महारत हो, आप अपने केस को ड्राफ्ट कर सकें, और जज के सामने जब आप पेश हों तो आपका बिहेवियर ये, जेस्चर ये हो, ये प्रोफेशनल लीगल वकील है। फैसला आपके ख़िलाफ़ आए, आपके हक में आए, आप बो डाउन करके बाहर निकलते हैं, ये प्रोफेशनलिज्म है। और मैं कहता हूँ, मेरा ना कोई भाई वकील है, ना मेरे वालिद साहब वकील हैं, बल्कि मेरी फैमिली में, मेरे ब्लड रिलेटिव में कोई भी वकील नहीं था, और मेरे सेकंड सर्कल में भी कोई वकील नहीं था। मैं यहाँ आया, मैंने मेरा एक ही स्लोगन था, और उसके अलावा मेरे पास और कोई स्लोगन भी नहीं था कि मैं प्रोफेशनल वकील हूँ, मुझे वोट दें। और लोगों ने दिया। मैं तारीख में सेक्रेटरी की सीट पर आज तक जितने इलेक्शन हुए हैं, मेरा रिकॉर्ड है, मुझे सबसे ज़्यादा वोट मिले। ठीक है, मैं किसी बड़े वकील का बेटा भी नहीं था। तो ये सिस्टम आज भी अच्छा है, आपका जो कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम है उससे तो बहुत बेहतर है ये। देखें, मुंतकिल इकदार की जो मुंतकली होती है, ऐसे रिजल्ट आता है, वो ड्रॉप होता है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हाउस होता है, हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर होती है, कोई स्टे नहीं है। तो हम बड़े अच्छे सिस्टम हैं। बार एसोसिएशन जो है ना, वो रुकावट नहीं है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के फैसलों में। हमेशा से रुकावट जो है ना, वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की ऊपर की हुई पॉलिसी जो इम्पोज की जाती है और जो उसे आती है, इसके जिम्मेदार हैं AC कमेटी के जजेस और चीफ जस्टिस। ठीक है, उन्होंने जजेस की तादाद जो है, जो आज फ़र्ज़ करें हमें लाहौर के सिविल कोर्ट में अगर 500 जजेस की ज़रूरत है, तो ये 500 जजेस पूरे होने हैं आपके और 15 साल बाद। ठीक है, जब ये 500 आने, उस वक्त ज़रूरत चली जानी है 800 पे। तो बर्डन सिस्टम की वजह से है, स्टेट की वजह से है। लॉयर्स कम्युनिटी ने, तो आप ख़ुद भी वकील हैं, आप चीज़ एक एनालिसिस दे दें आप मुझे कि बाहर ने हमेशा गलत और सही की आवाज़ वैसे ही निकाली है जो चीज़ गलत और सही होती है। आज तक बताएं किसी भी इलीगल एक्ट का बार एसोसिएशन ने साथ दिया हो? जितनी तहरीकें हुई, जितने मार्शल लॉज हुए, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कहाँ एजिटेट किया? वी आर द लॉयर्स जिन्होंने ये सारे तशद्दुद बर्दाश्त किए, और सारी चीज़ें हमने आवाज़, हमने वॉइस रेज की, हमने स्लोगन्स दिए। और 2008 में मैं उस जो तहरीक थी उसका हिस्सा रहा हूँ। तो वकील एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, और अगर हर जज ये बैठ के उस रोस्टर पे दूसरी तरफ जाता है, ये सोच ले कि मैं पहले भी वकील था और यहाँ से उतरने के बाद भी वकील होऊंगा, तो उसकी जो अना की जंग है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, वकील हमेशा जाता है, उसका हाथ यूँ होता है, माय लॉर्ड, सर प्लीज़। इसके अलावा आज तक बताएं, आपने 100 वकील पेश हुआ है, 2 ने कोई और बात कर दी होगी, तो उन 2 की वजह से हम 98 बंदों को गलत नहीं कह सकते। तो ये सारे सर्कल में सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। वकील एक मैं समझता हूँ कि वकील एक बहुत बड़ा आदमी है, और माशरे में जो है ना, आज के इस मौजूदा सेटअप में हम ये सिस्टम अगर अपने चीज़ों के दरमियान में इसने पंजे गाड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं पे आगे पुलिस की इंटरफेरेंस रुकी हुई है, और इदारों की जो अपनी इख्तियार से ज़्यादती जो है, वो सिर्फ वकला की वजह से रुकी हुई है। हमने हर फोरम पे एजिटेट किया, और वकील होने के नाते मैं और आप
एक चीज़ पर ज़रूर कंसेंसस करेंगे, कभी भी हम गलत चीज़ को सही नहीं कहते। तो मेरे एनालिसिस जो है ना वो सिस्टमेटिकल प्रॉब्लम है, और सिस्टम में जो बैठे हुए लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं, इफ्तिखार चौधरी ने जितने हमने बहुत जंग लड़ी उसकी, उस वक्त हम उस पॉइंट पे ठीक थे, उसके आने के बाद उसने जितने भी सुवो मोटो लिए, मेरे इलम के मुताबिक मैं गलत ना हूँ, तो वो सुवो मोटो ला हासिल रहे, किसी का भी फैसला नहीं हुआ। तो लोअर जुडिशरी तो फैसला कर रही है, आप मैंने 15 साल में 2 साल मेरे आउट कर दें आप, जो मैं जब मेरे पास हाई कोर्ट का लाइसेंस नहीं था, आज तक एक स्टे का फैसला हुआ है, जितने स्टे मैंने लिए हैं और जितने स्टे मेरे खिलाफ हुए हैं, ठीक है, और उसका फैसला भी इस वजह से हो गया था कि हम दोनों कौंसल राजी इस बात पे हम थे कि हम इसको आर्गू कर दें, ठीक, जजेस ने फैसले नहीं किए।